खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। गैस लीक केस के चलते आग से महिला की गई जान और दो लोग झुलसे, नगर रोड पर सामने आया हादसा। भिवाड़ी में आभूषण कारोबारी की हत्या से बना आक्रोश, जेवर लूटने के लिए बदमाशों ने की वारदात। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर निकली रैली और कैंडल मार्च, दोषी को जल्द फांसी देने की उठाई मांग। और जन्माष्टमी के उपलक्ष में हुई पोशाकों और झूलों की बिक्री, बाजारों में रही चहल पहल। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। भरतपुर जिले के नगर अलवर रोड पर गैस लीकेज के बाद आग लगने से तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इन्हें इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में लाया गया, जहां एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मृतका के परिजन मंजू ने बताया कि शुक्रवार को उनके घर में 85 वर्षीय वृद्धा अंगूरी देवी गैस पर चाय बना रही थी, लेकिन गैस लीकेज का उन्हें पता नहीं था। ऐसे में गैस जलाते ही रसोई में आग लग गई। जब ओम प्रकाश और उषा वृद्धा को बचाने गए तो वह भी झुलस गए। तीनों को जिला अस्पताल में लाया गया, जहां अंगूरी ने दम तोड़ दिया। वहीं 60% से ज्यादा झुलसी उषा की हालत गंभीर है। उधर ओम प्रकाश को नगर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। गनीमत यह रही कि घटना के समय बच्चे स्कूल गए हुए थे। मम्मी बाहर बैठी थी तो पापा बोल लेते चाय बनाने जाओ। वो तो चाय बनाने गई थी तो जैसे गैस जलाई थी, जैसे मतलब सिलेंडर लीक हो गया। हाँ, आग लग गई। तो ये देखने के लिए गई थी तो इसमें भी लग गई, बड़ी दीदी में भी। उसके बाद फिर मैं फटे थे तो मैं बाहर निकली थी, देख के आऊँ कि क्या होगा, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। तो मैं देखने के लिए आई थी तो इनके दोनों की मतलब ज्यादा हालत खराब थी। तो मैं इनको कपड़े फपड़े फट गए इनके ऊपर, तो मम्मी की ज्यादा हालत खराब होगी तो उनकी तो कल डेथ होगी। उनको पहले कहाँ भर्ती करवाए? नगर में भर्ती करवाए थे, फिर उनने नगर से अलवर रेफर कर दिया। हरियाणा सीमा के पास स्थित भिवाड़ी क्षेत्र अपराधों का अड्डा बनता जा रहा है। यहाँ चौथ वसूली के इरादे से फायरिंग की घटनाएं हो चुकी है। वहीं शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे कुछ बदमाशों ने एक आभूषण कारोबारी की हत्या कर दी और जेवरात लूट कर ले गए। इसके विरोध में व्यापारियों ने धरना दिया और मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक महंत बालकनाथ को अपराध मुक्ति का वायदा याद दिलाया। भिवाड़ी और आसपास के इलाकों में अपराधियों का बोलबाला हो रहा है। यह क्षेत्र सारे कला से 6 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद चर्चा में था। वहीं अब एक और बड़ी वारदात सामने आई है। यहाँ ज्वेलर्स शॉप पर कार में सवार होकर आए हमलावरों ने लूट के इरादे से फायरिंग कर दी। इसके चलते आभूषण व्यवसायी जय सिंह सोनी की मौत हो गई। जय सिंह रेवाड़ी से रोजाना यहाँ आता था। भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट के पीछे हाउसिंग बोर्ड में कमलेश ज्वेलर्स शॉप स्थित है। यहाँ बदमाशों की फायरिंग से कारोबारी का भाई सागर और दुकान पर काम करने वाले गार्ड अजान सिंह जख्मी हुए हैं। गुरुग्राम के निजी अस्पताल ले जाते समय मार्ग में जय सिंह ने दम तोड़ दिया। बदमाश जब जेवरों को थैले में भर रहे थे तो जय सिंह और सागर सोनी इनसे भिड़े भी थे। इसके बाद पुलिस कप्तान ज्येष्ठा मैत्रेयी मौके पर पहुंची। वहीं मौके पर काफी तादाद में लोगों की भीड़ जमा हो गई। करीब 7:15 सायकालीन या 7:15 का घटना बताई जा रही है। कमलेश ज्वेलर्स है, वहाँ पर करीब 5 लोग सफ़ेद कलर की स्विफ्ट गाड़ी से आ गए। संभवतः ये डकैती का प्रयास, जिसमें कि 5 लोग उतरते हैं ज्वेलर्स की शॉप पर, घुसते हैं, मारपिटाई करते हैं, फायरिंग करते हैं। इसमें अभी तक की जितनी जानकारी है, 5 लोगों को इसमें चोट लगी है, 2 लोगों को गंभीर चोट लगी है, बाकी 3 इसमें स्टेबल। पुलिस की टीम्स बना दी गई हैं, जिसमें कि हम टेक्निकल एविडेंस पे, ह्यूमन इंटेलिजेंस पे भी इसमें हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि हम जो जितने भी लोग हैं उनको तुरंत गिरफ्तार डकैती में सामान वाले लेके गए हैं। मैं भी और इसमें जानकारी अभी कर रही हूँ। हमारा जो पहला प्रयास है कि जितने भी लोग इसमें भागे हुए हैं घटना करने के बाद, उसको हम तुरंत गिरफ्तार करें। क्या कोई डिमांड भी उनकी तरफ से की गई है?
इस तरीके की अभी तक कोई बात नहीं है। अभी अरेस्ट करें और जो लोग हैं जो इंजर्ड हैं उनको तुरंत मेडिकल अटेंशन मिले जिससे कि उनकी हालत स्टेबल। आपने पीड़ित पक्ष से जानकारी ली हो कोई उनका पहले कोई विवाद या जान पहचान किसी भी तरह का? तुरंत ही मौके पे मैं आई हूँ, हम जाँच पड़ताल कर रहे हैं और अभी पहली प्राथमिकता मैंने आपको बताई है कि जो लोग भागे हुए हैं उनको हम अरेस्ट करना हमारी प्राथमिकता। अभी मेरा कोई जानकारी मेरा कोई गैंग का अंदेशा उसके अंदर क्योंकि नाके वगैरह कुछ कुल मिला के अभी इस पूरी घटना को 20 या 22 मिनट ही हुए हैं तो पहले तो उनकी हम पहचान करें पकड़े। उधर भिवाड़ी ज्वेलर्स लूटपाट और हत्या पर व्यापारियों में आक्रोश है, इसका इजहार उन्होंने तिजारा विधायक महंत बालकनाथ के सामने भी किया। भिवाड़ी में ज्वेलर्स शॉप पर लूटपाट और मालिक की हत्या के बाद धरने पर बैठे व्यापारियों ने तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ को घेर लिया। विधायक के धरना स्थल पर पहुंचने पर व्यापारियों ने अपराध मुक्ति के वादे की याद दिलाई। महाराज जी एक बार चुनाव के बाद में अगर जेसीबी बैठक आ गया तो राज्य नौबतनी है। उधर घटना के दौरान बाजार में खड़े कुछ लोगों ने इस लूटपाट और फायरिंग का वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चार हथियारबंद बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और दुकान में घुसते ही फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने फायरिंग के बाद दुकान से कीमती जेवरात लूटे और मौके से फरार हो गए। पुलिस घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। उधर स्थानीय व्यापारियों में डर का माहौल है। मुझे पता नहीं, मैं अपनी दूसरी शॉप पे था, मेरे पास एक अपना दूसरी वहाँ का सेल्समैन भगा बताया ना भैया दूसरी शॉप पे जाओ आप। मैं इतने पहुंचा तो कम से कम 8-10 लड़के दुकान लूट रहे थे। मैंने अंदर से उन पर अंदर घुसते उन पर हावी हो गया और बड़े तोड़े में उन पर फायर करी, मेरे सिर पे 2-3 फर्रे मारे, तेज धार से वार किया। उसके बाद मैं फायर फोरिंग करता हुआ भाग गए। दुकान में कितने लोग थे उस समय पर आपके वहाँ? 4 बंदे बैठे थे कम से कम। वहीं ऐसी घटनाएं भिवाड़ी क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर सकती है। वहीं तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी ने व्यापारियों के मध्य पहुंचकर आश्वस्त किया है कि जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे। इस मौके पर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, जयपुर रेंज आईजी अनिल टॉक, भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्री, पूर्व विधायक संदीप यादव और बसपा नेता इमरान खान सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ये 100-500 जितनी फोर्स लगी हुई है आज, ये भी उसी के लिए लड़ रहे हैं। एक आदमी बोल देता है हर साल, दूसरा बोल देता है हर साल। ऐसा कुछ भी आना चाहिए और जो व्यापारी होगा ना उसके दिल में दर्द होगा, वो रोएगा, ऐसे नहीं करेगा। 2 मिनट हाथ जोड़ रहे बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, एक ने बोला वहां चलो, एक ने बोला क्या चलो, यहाँ बैठना है, शांति से बैठ जाओ, बस। पुलिस प्रशासन का प्रेशर कोई नहीं करेगा, उनको अपना काम करने दो, उन्होंने टाइम दिया वो टाइम दो। गौरतलब है कि यह स्थान हरियाणा सीमा से ज्यादा दूर नहीं है। वहीं इससे पहले भी फायरिंग एवं रंगदारी वसूलने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। किसी भी कीमत पर उन अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके किए की सजा उनको आने वाले समय में, तय समय में वो आपको देखने को मिलेगी। और हमारे भिवाड़ी तिजारा की सुरक्षा व्यवस्था की जो बात है, हमने सरकार से पूर्व में भी डिमांड की है, जिस दिन से आपने चुना उसी दिन के तीसरे दिन ही हमने डिमांड रखी थी कि हमारे तिजारा क्षेत्र के अंदर, भिवाड़ी क्षेत्र के अंदर पुलिसिंग के अंदर जो व्यवस्थाएँ करने की अति आवश्यकता है, जिसमें कि अभय कमांड सेंटर हो यहाँ पर, यहाँ पर पूरे इस तिजारा भिवाड़ी क्षेत्र के कम से कम भी 10 वाहन पेट्रोलिंग के वाहन हो, जिनके माध्यम से चौक चौराहों के ऊपर वो 2400 घंटे उनके अंदर 2-3 जवान में हथियार उन पर उपलब्ध रहें, जो तुरंत किसी प्रकार का अंदेशा हो तो तुरंत एक्शन में वो आकर अपराधी को यहाँ से भागने ना दें। और उसके साथ साथ में अतिरिक्त पुलिस बल, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी करता हूँ कि एक बॉर्डर होमगार्ड की फोर्स, जो कि एक आर्मी की तरह फोर्स होती है, मिलिट्री की फोर्स की तरह फोर्स होती है, वो हमको दी है, उसका भी डिप्लॉयमेंट जल्दी से जल्दी अब हमारे तिजारा के अंदर उसका हो जाए, जिससे कि आने वाले समय पर यहाँ पर पुलिस की जो नफरी उसकी कोई कमी ना हो, सीसीटीवी प्रॉपर काम करे हमारे, अभय सर कमांड सेंटर की स्थापना हो और पेट्रोलिंग वाहन, मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर वाहन हमारे भिवाड़ी व्यवस्था के अंदर लगे। और इन सब चीज़ों को हम जल्दी से जल्दी, हम लगातार, हम ये नहीं करें, हम लगातार इन चीज़ों के फॉलोअप में हैं और इनको पूरा करवाने के लिए हम सिर्फ, मेरा एक ही उद्देश्य है, यही उद्देश्य जो मैंने आपके बीच में रखा, यही मैंने पूरी ताकत से सरकार के सम्मुख रखा है और इसको जल्दी से जल्दी करवाने का कार्य किया है। आज उसमें महज 4 कैमरे चालू हैं, ये सवाल है, ये सवाल है। यहाँ पर जो अधिकारी पुलिस SP हैं
उनकी कार्यशैली पर सवाल है कि वो किस प्रकार से, हमने उनसे काफ़ी बार पूछा भी कि आपको यहाँ पर भिवाड़ी के अंदर कितने सीसीटीवी कैमरों की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ और लगाने की आवश्यकता, आप हमें बताइए, हम एमएलए लेड से या हम व्यापारियों से सहयोग लेकर, उद्योगपतियों से सहयोग लेकर हम वो कैमरे लगवाने का कार्य करेंगे। इन सभी विषयों के ऊपर जो भिवाड़ी में सबसे मुख्यमंत्री लेवल तक की चर्चा चल रही है, कहाँ पुलिस की कमी रही है, उन सब का भी संज्ञान लेकर उसके खिलाफ भी कार्रवाई। व्यापार वर्ग को क्या आश्वासन दिया गया है, कब तक धरना खत्म हो जाएगा? व्यापारी वर्ग को हमारा आश्वासन है और सदैव सदैव का है कि उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए हम अपनी जी जान लगाएंगे और उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए हम वचनबद्ध हैं, उसको हम करके दिखाएंगे। और सरकार से हम मांग करते हैं कि ये जो समस्या है हमारे भिवाड़ी की, बहुत ही जेन्युइन समस्याएं हैं, इनका समाधान जल्दी से जल्दी होकर हमारे भिवाड़ी को सुरक्षित किया जाए। पिछले दो तीन दिनों से भिवाड़ी चर्चित है, अच्छे कामों में, बुरे कामों में अलकायदा के संगठन यहाँ मिलते हैं, बिल्कुल, मतलब यहाँ पे सरेआम हत्या कर दी जाती है, तो इनके लिए प्रश्न चिन्ह नहीं लगता किस समय? ये सब प्रश्न चिन्ह है, लेकिन व्यवस्थाएं जो पूर्व की बिगड़ी हुई थी उनको सुधार रहे हैं और मैं मानता हूं कि इस घटना के बाद अब जल्दी ही आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे लोगों की रक्षा सुरक्षा के संबंध में। और वहीं सत्तारूढ़ भाजपा के नेता भी मान रहे हैं कि अलवर में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के अनुसार भिवाड़ी में ज्वेलरी शॉप में डकैतों का तांडव हुआ है और शोरूम के मालिक की हत्या कर दी गई, साथ ही गौ तस्करी की घटनाएं बढ़ रही है, लूट और डकैती के कई मामले भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को पत्र लिखकर मांग की है कि संवेदनशील जिले अलवर में सख्त कदम उठाए जाएं। आहूजा ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर में साइबर क्राइम पर रोक लगाने का काम किया है। आहूजा ने भिवाड़ी के सारे कला गांव में आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर चलने को पुलिस की कमजोरी बताया है। उन्होंने भाजपा नेता यासीन खान की हत्या में शामिल दोषियों के मकानों को तोड़ने पर भी जोर दिया। आतंकवादी पकड़े हैं संगठित दिल्ली की स्पेशल सेल ने, तो चौपान के मुझे सारे कला में आतंकवादी पकड़े गए हैं और कल भिवाड़ी में एक व्यवसायी को, आभूषण रतन के व्यवसायी पर गोली चला करके हत्या भी की है, उसके भाई घायल भी हुआ है। दोनों भाइयों ने और हत्यारों से लुटेरों से जबरदस्त मुकाबला किया, एक बहुत बड़ी खुशी की बात है उनका, तो मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोबारा बहुकशी बढ़ गई है, दोबारा से बहुत तस्करी बढ़ गई है और दोबारा से ये लूटमार बढ़ गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गृह मंत्री भी हैं और गृह राज्य मंत्री हैं, अलवर जिले से सटा हुआ भरतपुर का डी जिला हमारे सम्माननीय श्री जवाहर सिंह मैडम और माननीय मुख्यमंत्री इसकी ओर ध्यान दें। अलवर जिला बहुत सेंसिटिव जिला है, क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, एक तरफ हरियाणा का बॉर्डर है और कहीं कहीं पंजाब से भी प्रभावित है। लुटेरों की बहुत बड़ी जमात यहाँ काम करती है और खास करके देशद्रोही लोग मेवात में साइबर क्राइम भी करते हैं और देशद्रोही लोग यहाँ मेवात में लूटते भी हैं, गौ तस्करी गोकशी भी करते हैं। अब इन अपराधों पर कंट्रोल होना चाहिए। हम कांग्रेस शासन में बहुत आलोचना करते थे, अब इन अपराधों पर कंट्रोल होना चाहिए। ये मेरी मांग नहीं है, सिर्फ मांग नहीं है, तो मैं उनसे ये निवेदन करता हूँ, इस संबंध में उनको पत्र भी लिख रहा हूँ कि यहाँ के लूटमार को, आतंकों को और साइबर क्राइम को, जैसे भरतपुर में बुलडोजर चलाया है, बहुत अच्छा काम किया है हमारे सम्माननीय भजनलाल जी ने, भरतपुर में अवैध निर्माण पर, यहाँ पर 28,000 बीघा पर मेरा विधानसभा क्वेश्चन है, अवैध रूप से कब्जा है और कई मदरसे बने हुए हैं, कई ईदगाह बने हुए हैं, कई जमीनों का कब्जा है, पूरा राजकीय जिला अलवर जिला पुराना, तो इस अतिक्रमण को हटाएँ और बुलडोजर चलाएँ। और इसके साथ में हमारे एक मर्डर हुआ यासीन खान, हालांकि मेयर लड़का था, अच्छा कार्यकर्ता भाजपा का था, उसका मर्डर हुआ, उस पर जिन लोगों ने मर्डर किया वो सारे अपराधियों के भी जमीनों पर अवैध कब्जे हैं, मकान भी अवैध हैं, उसकी ज़मीनों पर अवैध कब्जा है, उन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, ये मेरी मांग है। सर, मेवात क्षेत्र में आतंकवाद का जुड़ना, पहले भी हरियाणा का जो मेवात क्षेत्र में आतंकवादियों की गतिविधि देखने को मिली, अब अलवर के टपुकड़ा भिवाड़ी में मेवात की गतिविधियों पर सिर्फ राजस्थान सरकार ने ही नहीं, तो भारत सरकार ने भी ध्यान देना चाहिए, इस संबंध में बहुत सख्त और उचित कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों बहुत सेंसिटिव एरिया है मेवात राजस्थान का या मेवात हरियाणा का, कुछ हिस्सा यूपी का कोसी वगैरह, यहाँ मेवात में विशेष टास्क फोर्स बनाकर और विशेष योजना बना करके भारत सरकार और केंद्र सरकार ने, राजस्थान सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए।
कोलकाता में रेजिडेंट महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में अलवर में आक्रोश व्यक्त करने का सिलसिला जारी है। यहाँ स्कीम आर्टिस्ट स्थित आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान और जैन बीएड कॉलेज के छात्र छात्राओं ने एक रैली निकाली, साथ ही जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की गई। बीएड कॉलेज प्रिंसिपल अनीता सोनी ने बताया कि मिनी सचिवालय तक रैली निकाली गई। उन्होंने इसे जघन्य अपराध बताया है, साथ ही कहा कि महिलाएं और बालिकाओं का घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है, ऐसे में वे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। जो अभी कोलकाता में मिशन सत्या हुई है रेजिडेंट डॉक्टर की और रेप मर्डर जो कांड हुआ है, हम उसके विरोध में रैली निकाली है। हमें सब में आक्रोश है कि उन्हें जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए जिन अपराधियों ने जघन्य कांड किया है, क्योंकि अभी तक उन पर कोई उचित कार्यवाही नहीं हो पाई है और हम चाहते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। यदि मौत भी देनी पड़े तो मौत दे दे, क्योंकि ऐसे कांड यदि होते रहे तो हम नहीं समझते हमारा राष्ट्र बच सकेगा। और हमारे बच्चों में इस तरह का भय प्राप्त हो गया है कि यदि इस तरह से रहा तो लड़कियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो इसी संदर्भ में हम SDM साहब को अपना ज्ञापन देने आए थे कि आप इसके समक्ष उचित कार्यवाही करें। डॉक्टर मामिता है, उनको जस्टिस मिलना चाहिए, जो उनके साथ बहुत ही ज्यादा गलत कार्य हुआ ऐसा किसी और लड़की के साथ ना हो। लड़कियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं आगे घटित ना हो, इसके तहत क्या कानून हो और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके लिए आपको क्या संदेश है? गवर्नमेंट जो भी एक्शन ले, बट गर्ल्स के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और जो लॉज वगैरह हैं उनमें भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि गर्ल्स सेफ फील कर सके। और हाल हमारे देश में जो है न्याय मिलने में हमेशा देरी होती है, हम चाहते हैं कि इसमें जितनी जल्दी हो सके हम लोगों को इंसाफ मिले, उन डॉक्टर को इंसाफ मिले। डॉक्टर जैसे नोबल प्रोफेशन में अगर ऐसा हो रहा है तो हम ये सोचते हैं कि हमें सेफ्टी कहाँ मिले। सेफ्टी के लिए हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और ऐसा केस दोबारा कभी ना हो, इसके लिए हमारे लिए सुरक्षा कुछ उपलब्ध कराई जाए। और वहीं कोलकाता में महिला रेजिडेंट डॉक्टर रेप और मर्डर मामले में विभिन्न संगठन कैंडल मार्च निकालकर पीड़िता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, साथ ही बेहद सख्त कानून बनाने और दरिंदों को फांसी पर लटकाने की मांग की जा रही है। युवा नेता संदीप ओला ने बताया कि अभी तक एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि घर से बेटियां जब पढ़ने या फिर काम करने के लिए बाहर जाती हैं तो माँ बाप को चिंता लगी रहती है। ओला ने जानकारी दी कि NSUI की टीम के बैनर तले कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के साथ नंगली सर्किल से शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च निकाला गया, साथ ही 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस दौरान एडवोकेट प्रहलाद यादव सहित NSUI के सदस्य मौजूद रहे। उस बहन के साथ जो अन्याय हुआ, जो दुष्कर्म हुआ, उसके विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया और देश की सरकार को महिला सुरक्षा के लिए, महिलाओं के संरक्षण के लिए एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिसमें बलात्कारियों को तुरंत प्रभाव से फांसी की सजा दी जाए और उनके लिए एक अलग से कोर्ट बनाना चाहिए जिसमें दुष्कर्मियों की लंबी लंबी 5-5, 7-7 साल पेशियां चल जाती हैं और वो लोग आराम से रह रहे होते हैं और हमारी बहनें जिनके साथ दुष्कर्म कर दिया जाता है उनको तुरंत प्रभाव से फांसी दी जानी चाहिए। और आज अलवर में आक्रोश था NSUI के बैनर तले, समस्त NSUI की कार्यकारिणी ने आज अलवर में ये कैंडल मार्च निकाला। हमारी रेजिडेंस डॉक्टर बहन के साथ जो दुष्कर्म किया है और बाद में उनकी हत्या कर दी गई, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। ये देश में नरेंद्र मोदी जी ने एक कानून बड़ा अजीब बना रखा है, 10 साल के बच्चे का तो बस में पूरा टिकट लगता है और 17 साल का बच्चा बलात्कार में इसलिए छूट जाता है क्योंकि वो नाबालिग है। ये नियम कानून सारे बराबर होने चाहिए और ऐसे दरिंदों को कम से कम फांसी की सजा, नहीं तो ऐसा कानून बने चौराहे पे खड़ा करके चारों हाथ पैर काट दे उस आदमी के और उसको मरने को छोड़ दे, जिससे जनता भी देखे कि दुष्कर्म करने वालों का यह हाल होता है। और मैं मेरे सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि न तो कोई अन्याय करे और न कोई अन्याय किसी के साथ करे तो उसको सहन करे, उसकी मदद करे। ये आज हमारी बहन के साथ हुआ है, कल दूसरी के साथ हो सकता है, इसलिए हम सबको भी पुलिस के साथ साथ खुद को भी मजबूत रहना पड़ेगा और ऐसे दरिंदों से मजबूती से लड़ना पड़ेगा। अलवर के बाजारों में जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में पोशाकों की खूब बिक्री हो रही है। दुकानदार भोलाराम तस्वीर वाले ने बताया कि बाजारों में खासी चहल पहल बनी हुई है, साथ ही मथुरा, वृंदावन, कोलकाता एवं सूरत के विभिन्न पोशाकें उपलब्ध हैं, साथ ही भगवान के आकर्षक झूले भी मिल रहे हैं। इस बार जन्माष्टमी पर सूरत की पोशाकें, कलकत्ता की पोशाकें, मथुरा वृंदावन की पोशाकों का आई हुई है और काफी अच्छी वैरायटी बाजार में उपलब्ध है और अच्छा क्रेज है, अच्छी भीड़ भाड़ है, बाजार में अच्छा काम है। कहाँ कहाँ से आ रही है? मैं मेरे यहाँ कलकत्ता के कारीगर यहीं पोशाकें तैयार कर रहे हैं
सूरत से डायरेक्ट सूरत से आ रही है और मथुरा से भी आ रही है। झूले वगैरह भी आते हैं, झूले वगैरह सब नहीं तैयार करवा रहे हम और मथुरा से भी आते हैं। अलवर जेल में पुनर्वासित बर्मा देश के 5 नागरिक 2 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वे वतन वापसी की मांग उठा रहे हैं। तबीयत बिगड़ने पर वली अहमद, अब्दुल रहीम, मोहम्मद अब्दुल, इमरान और मोहम्मद इमरान को डिटेंशन सेंटर से सामान्य चिकित्सालय भिजवाया गया। हालांकि इन्होंने यहाँ भी खाना लेने से इनकार कर दिया। जेल अधीक्षक शिवेंद्र शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी। उधर अलवर के शिवाजी पार्क में सीवरेज की साफ सफाई नहीं होने के चलते लोग परेशान हैं। उन्होंने मिनी सचिवालय में एडीएम सिटी बीना महावर को ज्ञापन सौंपा और सीवरेज लाइन की सफाई करवाने की मांग उठाई। क्षेत्रीय पार्षद धारा सिंह ने बताया कि शिवाजी पार्क शहर की सबसे पुरानी कॉलोनी है और यहाँ सीवरेज लाइन साफ सफाई के अभाव में बंद पड़ी है। इसके चलते गंदा पानी सड़क पर आ जाता है, ऐसे में आवाजाही मुश्किल है और बीमारियां फैल रही हैं। लेकिन नगर निगम और नगर विकास न्यास के अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे। 6 महीने से 1 जनवरी से बनी हुई है, जब से UIT ने इसका टेंडर खत्म किया है और नगर निगम को हैंडओवर किया है, तब से शिवाजी पार्क में प्रत्येक गली सड़ रही है, ओवरफ्लो हो रहे हैं चैम्बर। रोक लो मैडम, रोक लो। डेंगू मच्छर की बीमारी ज़्यादा फैल रही है, ज़्यादा केस PHC में जाके देखें शिवाजी पार्क की में तो टोटल आपको डेंगू मलेरिया के केस मिलेंगे शिवाजी पार्क के ज़्यादातर। प्रशासन से करीब 1.5 महीने से बार बार निवेदन करने पर भी कोई सुनने को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नगर निगम ना तो इसका सफाई का टेंडर लगा रही है, ना इसकी रख रखाव का मेंटेनेंस का टेंडर लगा रही है, और जब जाते हैं तो आश्वासन मिलता है कि हम इसको जल्दी टेंडर लगवा रहे हैं, इसको जल्दी करवाएंगे। मारपीट और दुकान में तोड़फोड़ करने के मामले में अरावली बिहार पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि जनता कॉलोनी के छोटू सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इनमें बताया गया है कि 22 अगस्त को इसी कॉलोनी का मुबारक उसकी दुकान पर गुटखा लेने आया था। इस दौरान उसने बिना वजह गाली गलौज की। इसके बाद अपने साथियों के साथ मिलकर छोटू सिंह सहित उसकी पत्नी और बेटी से मारपीट कर दी। इस प्रकरण में पुलिस ने मुबारक, सपात खान और वारिस को गिरफ्तार किया है, जबकि शकील की तलाश जारी है। इनमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं घर में घुस के मारपीट करना। 3 में से एक का नाम है सपात खान, दूसरे का नाम है मुबारक। सपात और मुबारक दोनों उमरदीन के लड़के हैं, भाई हैं। एक इनके चाचा का लड़का है जिसका नाम है वारिस। किस बात को लेकर मारपीट? मारपीट ये हुई थी कि इनके पास एक दुकान है, परिवादी के घर में ही दुकान है, और उसके ऊपर ये कोई मामा गुटखा लेने के लिए गया। परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन की प्रदेश कार्य समिति की बैठक शनिवार को अलवा बस स्टैंड के समीप स्थित जांगीर धर्मशाला में संपन्न हुई। इस दौरान दिल्ली सहित प्रदेश भर से आए वक्ताओं ने संगठन को मजबूती प्रदान करने को लेकर विचार विमर्श किया। भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ से जुड़े राजू भाले राव ने बताया कि कर्मचारियों के समक्ष आ रही समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई है, इसका निदान नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। जो राजस्थान परिवहन में जो गड़बड़ी चल रही है या कुछ इनकी समस्या है, उस समस्या की जानकारी के लिए हम यहाँ आए थे, और पूरे देश में परिवहन की क्या स्थिति है उस स्थिति से यहाँ के प्रदेश के कार्यकर्ताओं को अवगत कराना ये हमारा काम है। उसके हिसाब से यहाँ हमारा प्रवास था। किस तरह की गड़बड़ी चल रही है प्रवास में? यहाँ चालकों की जो नियमित बढ़ोतरी है वो नहीं हो रही है। पूरे देश में उसका एक शेड्यूल है, चालक की बढ़ोतरी होती है, ये राजस्थान में वो नहीं है। और महिला कर्मचारी को जो इसकी लीव मिलती है वो यहाँ नहीं मिल रही है राजस्थान में। हालांकि पूरे देश में वो लीव मिलती है और कोर्ट का आदेश है, फिर भी राजस्थान परिवहन उसको नहीं मान रहा है, उसी के इस पे हमारी चर्चा हो रही है। अभी आगे अगर नहीं मानेगा तो क्या करेंगे? फिर आंदोलन करेंगे, अभी एक बार निवेदन देंगे मुख्यमंत्री जी को, उसके बाद आंदोलन करेंगे। उधर प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि यहां 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया है। इस दौरान अभी तक हुए कामों की समीक्षा होगी एवं आगामी रणनीति पर विचार किया जाएगा। ये हमारी फेडरेशन की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक 24 और 25 अगस्त को यहां अलवर के जांगीर धर्मशाला में आयोजित हो रही है। इसमें बैठक में हमारे अखिल भारतीय महामंत्री भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ का मार्गदर्शन हमको मिल रहा है। साथ ही इस बैठक में
हमने जो पिछले 4 माह में जो कार्य फेडरेशन द्वारा किए गए हैं उसकी समीक्षा होगी, आंदोलनों की समीक्षा होगी, हमने फेडरेशन के संगठन लेवल पर क्या उपलब्धियां पाई है, क्या कार्यक्रम किए उसकी समीक्षा के साथ साथ आने वाले दिनों में संगठन द्वारा क्या क्या कार्यक्रम किए जाने हैं, किस तरह से आंदोलन कार्यक्रम लेना है, अभिनंदन कार्यक्रम है, या हमारे जो त्रिवर्षीय अधिवेशन है उसके संबंध में यहाँ चर्चा होगी और उसके साथ ही आगे की रणनीति बनेगी। कांग्रेस ने गहलोत सरकार में गठित 17 नए जिलों को बरकरार रखने पर जोर दिया है। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार इसे लेकर भजनलाल सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। इसके अध्यक्ष ललित के पवार ने कहा है कि वे 30 अगस्त को सरकार को रिपोर्ट देंगे और उन्हें तय करना है कि कितने जिले खत्म होंगे। इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मिश्रा ने कहा है कि जन भावना और जनहित को देखते हुए छोटे जिलों का गठन किया गया था। उन्होंने चेतावनी दी है कि अलवर में किसी नवगठित जिले के साथ छेड़छाड़ की गई तो कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। उनका कहना था कि खैरतल, तिजारा और बहरोड कोटपुतली जिले बनने से लोगों के नजदीक ही जिला मुख्यालय बन गया है। सर, राजस्थान की सरकार भजनलाल सरकार ने, जो पिछली गहलोत सरकार ने नए जिले बनाए थे 17 और संभाग बनाए थे 3, तो उनको पुनः गठित करने के लिए कमेटी बनाई थी। वो कमेटी 30 अगस्त को रिपोर्ट दे रही है, जिसके अध्यक्ष हैं ललित के पवार। उनका कहना है कि मैं 30 तारीख को फाइनल रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेज दूंगा और मुख्यमंत्री को निर्णय कर रहा है। तो ऐसी शंका जाहिर की जा रही है, ऐसी मनसा सरकार की लग रही है कि नए जिलों को या ज़्यादातर कुछ जिलों को और विशेषकर अलवर के खैरतल जिले को समाप्त कर सकते हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, राज का गहला सिर्फ भाई ना कोई बनाए। माननीय अशोक गहलोत जी ने जब जिले बनाए तो राम लुभाए कमेटी गठन किया था, उसमें IAS अफसरों ने जांच की बाकायदे कहाँ जिले की आवश्यकता है और जनता की मांग के आधार पर, जनप्रतिनिधियों की मांग के आधार पर जिले बनाए गए थे और जिले बनाने में फायदे बहुत हैं। आप बताइए, अलवर जिला काठुवास का, काठुवास की दूरी यहां से 125 किलोमीटर, अब आदमी बहरोड कोटपुतली जाएगा 50 किलोमीटर, आमजन की परेशानी खत्म हुई ना। खैरथल तिजारा जिला भिवाड़ी की दूरी अलवर से 90 किलोमीटर, अब वो खैरथल आएगा या भिवाड़ी में कोई अपना काम कराएगा, भिवाड़ी तो लोकल ही है, खैरथल आएगा तो 40 किलोमीटर आएगा, 50 किलोमीटर आएगा। तो लोगों की, आम जनता की समस्या को दूर करने के लिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राम लुभाया कमेटी की जांच के आधार पर, मांग के आधार पर जिले बनाए थे। और ये भारतीय जनता पार्टी की, राजस्थान की सरकारी चाहती है कि इन जिलों का श्रेय कांग्रेस को, कांग्रेस को तो श्रेय मिल गया, अब ये खत्म तो करके देखे जिले, इनको जनता निपटा देगी। सर, अगर ये खत्म करते हैं तो कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? कांग्रेस विरोध करेगी। कांग्रेस ने तो जनहित में काम किया हमेशा और ये लोग हमेशा जनता के खिलाफ काम करते हैं, कोई नया काम ये कर नहीं सकते। या तो कांग्रेस की योजनाओं को नाम बदल के उन योजनाओं को चलाते हैं, या कांग्रेस ने, माननीय प्रधानमंत्री जी जब विधानसभा चुनाव में राजस्थान में प्रचार में आए थे तो उन्होंने ये कहा था चुनावी मंच से कि मैं राजस्थान सरकार की, अशोक गहलोत सरकार की किसी भी योजना को बंद नहीं करूंगा अगर राजस्थान में सरकार बनती है तो, और धीरे धीरे एक एक करके सारी योजना बंद कर दी। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे इन लोगों ने बंद कर दी, 25 लाख का बीमा आम आदमी का मेडिकल का था, अब 5 लाख का कर रहे हैं, भामा सा पता नहीं क्या चला रहे हैं, और उसको भी लागू करेंगे कि नहीं, जनता त्राहिमाम कर रही है। क्या कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी? निश्चित आंदोलन करेगी, जिले खत्म करे तो, सड़क से संसद तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ये करके तो देखे खत्म जिले। कहना आसान है, जनता माता हमारे साथ है, जनता की भलाई के लिए हमने जिले बनाए, इसमें कांग्रेस पार्टी का हित थोड़ी है, जनता का हित है, और ये जनता के हितों के साथ कुटाराघात करेंगे तो इनको सबक सिखाएंगे। कांग्रेस ने उस आदेश की फिर आलोचना की है जिसके अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारी और अधिकारी RSS की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार की ओर से प्रतिबंध हटाने के बाद भजनलाल सरकार ने भी पाबंदी हटाने का फैसला किया है, यह निर्णय एकदम गलत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगली सरकार कांग्रेस की होगी और संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने वाले कार्मिकों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। भजनलाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री है और एक कहावत है, भाई राज का गैला सिर के ऊपर होकर चलता है। अब मुख्यमंत्री है, प्रभुता पाई काय मद नाई,
अब अगला सीएम है जैसे जो करे, आरएसएस में कर्मचारियों को भर्ती करे, अधिकारियों को भर्ती करे, है बाकी ये प्रजातंत्र का गला घोटने जैसी बात है। जब अधिकारी कर्मचारी आरएसएस में और बीजेपी में भर्ती हो जाएंगे तो फिर प्रजातंत्र कहाँ बचेगा। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अधिकारी कर्मचारी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आरएसएस में सोच समझ के भर्ती होना। 4 साल बाद फिर राजस्थान में चुनाव है, राज कांग्रेस का पड़ रहा है, और जो भर्ती होंगे ना आरएसएस में, लाल डायरी में उनको नाम लिखेंगे, फिर बताएंगे कैसे नौकरी करते हैं। ये कोई दादागिरी है क्या? प्रदेश में तुम्हारा गलती से राज बन गया, राज करना तुमसे आता नहीं, जनता की समस्याओं का तुमने 1 साल में एक का भी समाधान किया नहीं, सिवाय हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद भाईचारा खत्म कर रखा है प्रदेश का, और अब कर्मचारी अधिकारियों को भी आरएसएस भर्ती करने लग गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और अधिकारी कर्मचारियों को बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है, जनता कांग्रेस के साथ है, और आने वाले चुनाव में जो अधिकारी कर्मचारी आरएसएस भर्ती होंगे, जो उनको भर्ती करेंगे, हम भी लाल डायरी में उनका नाम लिख रहे हैं, प्रजातंत्र को खत्म नहीं होने देंगे देश में। सर आपको लगता है कि अगर आरएसएस के में अधिकारी कर्मचारी भर्ती होंगे तो निष्पक्षता ही खत्म हो जाएगी? अरे तो आप बताओ, जब अधिकारी कर्मचारी किसी पार्टी से जुड़ जाएगा फिर बचेगा क्या? फिर तो तुम राष्ट्रपति शासन लगा दो या ये कर दो भाई बीजेपी का राज रहेगा हमेशा, चुनाव कराओ ही मत। ऐसा थोड़ी होता है प्रदेश में और देश में। ये देश प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र कायम करने के लिए हमारे कांग्रेस के नेताओं ने कुर्बानियां दी हैं। कांग्रेस के नेता देश को आजाद कराने के लिए शहीद हुए हैं। इन लोगों ने कोई देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, इसलिए इनको प्रजातंत्र के और आजादी की कीमत का पता नहीं है। ये तो तुल रहे हैं अडानी अंबानी, इन लोगों को इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, तो ऐसा होने नहीं देंगे हम। जनता हमारे साथ है, ये करके देखे भर्ती आरएसएस में अधिकारी कर्मचारियों को। उन अधिकारी कर्मचारी से पुनः आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूँ कि सोच समझ के भर्ती होना, 4 साल बाद फिर कांग्रेस का राज बन रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रतिनिधि और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा है कि भारत में तोड़े हुए मंदिरों को दोबारा बनाए जाने का यही सही समय है। उन्होंने कहा कि मुगलों और विदेशी शक्तियों ने भारत में करीब 3 लाख मंदिरों को तोड़ दिया था। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से हो चुका है। इसके अलावा मथुरा और काशी विश्वनाथ के मंदिरों को भी कोर्ट के माध्यम से बनाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा सोमनाथ के मंदिर का नवनिर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवा दिया था। वैसे 3 लाख मंदिर हैं जिनको तोड़ा मुगलों ने, आतंकियों ने, आक्रमणकारियों ने, विशेष औरंगजेब ने, ऐसे 3 लाख मंदिर हैं, उन सब में दोबारा और निर्माण होना चाहिए। एक मंदिर शिव जी का सोमनाथ मंदिर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्माण करवाया, वो भी है। बकाया 3 बड़े मंदिर हमारे काशी विश्वनाथ, राम मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि, तो माननीय मोदी जी और सुप्रीम कोर्ट की माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पर माननीय मोदी जी के द्वारा राम जन्मभूमि पर मंदिर बनवा दिया गया। अब बकाया कोर्ट का निर्णय मैं समझता हूँ सकारात्मक आएगा, रचनात्मक आएगा। काशी विश्वनाथ का भी, मथुरा का भी, वहाँ पर भी भव्य दिव्य मंदिर बनाती है। और मंदिर अगर भारत में नहीं बनेंगे तो कहाँ बनेंगे? अरब ईरान में बनेंगे। भारत में इन मंदिरों का जो एक बहुत बड़ी श्रृंखला थी वह श्रृंखला पूरी होनी चाहिए। मैं केंद्र सरकार से भी राजस्थान सरकार से दोनों से कहूंगा इसकी ओर पूरा ध्यान देते हुए और इन मंदिरों के निर्माण में सहयोग करें। उधर पूर्व विधायक आहूजा ने जानकारी दी कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर कंपनी बाग में दही हांडी का कार्यक्रम होगा। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से इसमें शामिल होने की अपील की है। पूरे राजस्थान में बहुत बड़ा कार्यक्रम दही हांडी का कार्यक्रम होता है और वो हमारा पूजन विहार पुराना नाम कंपनी बाग में होता है। मैं उस का संरक्षक हूँ। एक संस्था बनी हुई है वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप समारोह समिति, उसके द्वारा वर्ष में 2 कार्यक्रम होते हैं, एक तो वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप का जन्मदिन का और एक जन्माष्टमी पर दही हांडी कार्यक्रम। तो 26 तारीख को जन्माष्टमी है, उस दिन कंपनी बाग में पूजन विहार में होगा। मैं संपूर्ण जिले की जनता को, शहर जिले की जनता को और
आमंत्रित करता हूँ कि उस कार्यक्रम में ज़्यादा संख्या में आए और उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। इसमें राजस्थान के जिले के प्रतिनिधि तो होंगे ही और बाकी जनता भी बड़ी मात्रा में होती है और बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। फिर से जनता को मनसा वाचा कर्मणा ये अपील करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ, विनंती करता हूँ कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आप ATL TV। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769
एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्रय विक्रय सहकारी समिति खैरतल के समक्ष खाद्य वितरण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यूरिया खाद के साथ किसानों को नैनो यूरिया, जिंक और सल्फर आदि सामग्री जबरन दी जा रही है। विरोध करने वालों में फखरुद्दीन, अयूब खान, आकम अली, मोइन खान, मनोज कुमार और मुकेश कुमार आदि मौजूद रहे। किसानों के लिए इफको डीएपी खाद के साथ जबरदस्ती क्रय विक्रय के कर्मचारियों के द्वारा नैनो यूरिया और सल्फर, जिंक आदि जबरदस्ती दिए जा रहे थे। इसका किसानों ने विरोध किया और अगर इस मामले में आप पूरे शहर की स्थिति देख लिए, पूरे ग्रामीणों ने कई जगह फोन किया है, इस तरीके से किसानों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं अपील करता हूँ प्रशासन से कि इस तरीके की अनियमितताओं को रोका जाए। किसान बहुत परेशान है, किसान बहुत मजबूर है। अगर इन चीजों पर रोक लगाई गई तो किसान मजबूरन बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे। सरिस्का टाइगर रिजर्व के पहाड़ों में स्थित पांडुपल हनुमान मंदिर जाने के लिए काली घाटी के बाद मार्ग पर दलदल हो रहा है। ऐसे में बाइक सवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं हनुमान जी के लक्खी मेले को कुछ ही दिन बचे हैं, इसके बाद भी सड़क की मरम्मत और पानी निकासी की व्यवस्था नहीं की जा रही है। पांडुबल हनुमान जी के दर्शन करने शनिवार को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन कीचड़ से होकर गुजरना परेशानी का कारण बना रहा। आज मैं पांडुपोल गया था, वहां जंगल में रोड खराब होने के कारण मैं बाइक लेके गिर भी गया था। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अलवर में दो दो मंत्री होने के बावजूद भी यहाँ वन विभाग वाले सुस्त है। कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो रोड को सही करवाए और यात्रियों को आने जाने में परेशानी ना हो। मालाखेड़ा के आदर्श विद्या मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया गया। आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदर्श शिक्षा समिति कोषाध्यक्ष भानु प्रताप रहे। अन्य अतिथियों में रामवतार चौधरी, सुनील गुप्ता, नवल किशोर एवं अनिल मित्तल शामिल थे। इस मौके पर विद्यार्थियों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। इसके जरिए सुदामा कृष्ण की मित्रता को भी प्रस्तुत किया गया। साथ ही पुरस्कार एवं प्रसाद वितरण हुआ, जबकि मंच का संचालन सतीश तोमर ने किया। विनम्रता पूर्वक अपने से बड़ों को प्रणाम करने से, अभिवादन करने से, ढोक देने से चार चीजें बढ़ती हैं। एक तो आयु, उम्र, विद्या जो आप प्राप्त करते हैं, विद्या उसमें भी वृद्धि होती है। पृथ्वीपुरा में कल्ला जी एवं बापूजी महाराज सहित अन्य लोक देवताओं के प्रति श्रद्धा के साथ धार्मिक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। शुक्रवार रात्रि दंडौती के साथ 5 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो गया है। इस दौरान क्षेत्र में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की मन्नतें मांगते हुए श्रद्धालु कल्ला जी के धाम पर पहुंचे। वही माघ में जगह जगह प्याऊ लगाई गई। गौरतलब है कि भव्य मेले और भंडारे का आयोजन 27 और 28 अगस्त को किया जाएगा। पुजारी रामवीर रैबारी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में पृथ्वीपुरा स्थित कल्ला जी महाराज के धार्मिक परिसर में 27 तारीख को रात्रि को भजन जागरण संध्या का कार्यक्रम होगा। वहीं 28 को विशाल भंडारे का आयोजन होगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इसकी तैयारी जोरों से की गई है, लेकिन श्रद्धा का एक स्वरूप अलग ही होता है। यहाँ रात्रि को सैकड़ों की संख्या में युवक, नौनिहाल, महिला, पुरुष दंडौती देते हुए लोक देवता कल्ला जी महाराज, बापू जी महाराज के धार्मिक स्थल पर पहुँचे हैं और क्षेत्र में खुशी बनी रहे इसकी मन्नतें भी मांगी है। और यहाँ दूर दूर से भक्त कल्ला जी महाराज के दर्शन करने और मन्नतें मांगने आते हैं। मैं उदेश सिंह। और वहीं बालेटा स्थित भोमिया जी महाराज के धार्मिक प्रांगण में पूजा अर्चना के साथ अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई। साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। ऊंची पहाड़ी पर यह प्राचीन स्थल मौजूद है। भंडारे में स्कूली बच्चे भी पहुंचे। वहीं विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रोहिता शर्मा, महावीर प्रसाद, जसवंत सिंह और योगेंद्र सिंह ने आयोजन की जानकारी दी। इस मौके पर केसरपुर, सौदानपुरा और सुमेल सहित अन्य गांवों में भी धार्मिक आयोजन संपन्न हुए। तसई सरपंच मुकेश सिंह चौहान के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य पर घोटाले के आरोपों की जांच कर रही कमेटी को यथावत रखने की मांग की गई है।
ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि निदेशालय माध्यमिक शिक्षा द्वारा इसके लिए कमेटी बनाई गई थी। इसमें प्रधानाचार्य हंसराज मीणा, रजनीश व्यास और गोपाल कृष्ण जाटव शामिल हैं। ग्रामीणों के अनुसार जांच कमेटी सही दिशा में कार्य कर रही है, लेकिन आरोपी प्रधानाचार्य कमेटी को बदलवाना चाहते हैं। ज्ञापन में ऐसा करने पर स्कूल पर ताला जड़ने की चेतावनी दी गई है। गौरतलब है कि इस स्कूल में एसएमसी के सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर से बिल उठाने, शैक्षणिक भ्रमण के बजट का दुरुपयोग, विद्यार्थियों को दी जाने वाली इनामी राशि सहित अन्य राशि को हड़पने आदि के आरोप लगे थे। अब खबर खैरतल से, जहां इंदिरा हैप्पी स्कूल में जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। यहां स्थित विश्व शांति मंदिर को छात्राओं द्वारा अध्यापिका लक्ष्मी गुप्ता, नीतू शर्मा, कविता और मोना करानी के सहयोग से सजाया गया। वहीं हैप्पी किड्स स्कूल में राधा कृष्ण प्रतियोगिता संपन्न हुई। इसके अलावा बांसुरी, मटकी सजाओ और मटकी फोड़ो प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। इनके निर्णायक प्रिंसिपल डॉक्टर ज्योति और डायरेक्टर पंकज खुराना रहे, जबकि संस्थापक इंद्रपाल खुराना ने कृष्ण भगवान के जीवन से जुड़े प्रसंगों के बारे में बताया। वहीं विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। और वहीं खैरतल में दांतला रोड स्थित ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मना। निदेशक दीनदयाल गुप्ता ने बताया कि सभी बच्चे कृष्ण और राधा के परिवेश में तैयार होकर पहुंचे। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुतियां दी गई। भिवाड़ी में शुक्रवार की शाम ज्वेलर्स की दुकान पर लूट और हत्या के विरोध में खैरतल के सुनारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, साथ ही नारेबाजी की। इस मौके पर सीताराम, अजय सोनी, राजेश सोनी, मुकेश सोनी, पंकज और नरेंद्र सोनी आदि की उपस्थिति रही। हमारे सनकार समाज ने, पूरे खैरतल में सबने हड़ताल रखी है और बहुत तगड़ा आक्रोश है। इसकी जांच करके दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए, माल बरामद होना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ नहीं हुआ तो अगले हमारे जो बड़े अधिकारी हैं उनसे सलाह लेके हम पूरा अलवर जिला बंद करवाएंगे। कब तक हड़ताल जारी रहेगी? जब तक हड़ताल जारी रखेंगे, जब तक प्रशासन ध्यान दे। तिजारा खैर कर और ये तिजारा कपूकड़ा पूरा अलवर जिला ही बिल्कुल। ये जो कांड, जो बहुत गंभीर बात है, जो पहले भी नीमराणा में हो चुका, किशनगढ़ में भी हुआ, अब ये बड़ी वारदात जिले में पहली हुई है। जो 7-8-10 गोलियां चली है सरेआम बाजार में 7:15 के करीब, बताया जा रहा है कि ये 5 आदमी वहां आके गंभीर समस्याएं हुई, गोलियां चली और लूटपाट की, और चलते चलते भी उन्होंने 8-10 गोलियां उन्होंने चलाई। पूरा भिवाड़ी, तिजारा, पूरा जिला बहुत आक्रोश में, सुनकर समाज और व्यापार मंडल पूरा जिला ये भी बहुत आक्रोश में है। इसके बारे में बैठ के सभी चर्चाएं अभी होगी और एक बड़ी विशाल रैली और विशाल, जिसके लिए प्रशासन सोचे। खैरतल में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के 200 विद्यार्थियों को सैटेलाइट चिकित्सालय में शैक्षिक भ्रमण करवाया गया। प्राचार्य के जोशी द्वारा बैगलेस डे कार्यक्रम के अंतर्गत यह कदम उठाया गया। ऋतु भारद्वाज की अगुवाई में छात्र छात्राओं को पीएमओ डॉक्टर नितिन शर्मा ने चिकित्सा प्रक्रिया के विषय में जानकारी दी। साथ ही बच्चों ने पूरे अस्पताल का दौरा कर उपकरणों और मशीनों की कार्य प्रणाली को देखा। इस दल में शिक्षक वीरेंद्र सिंह, महेश चंद्र, विनोद आर्य और सुदेश कुमारी आदि शामिल थे। रेलवे बोर्ड इंफ्रा के सदस्य अनिल कुमार खंडेलवाल द्वारा अलवर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया। उन्होंने यहां विभिन्न व्यवस्थाएं देखी, साथ ही कार्य प्रणाली को सराहा। इसके अलावा 5,000 का इनाम देने की घोषणा भी की। खेड़ापति बाबा परिसंजयनाथ की तपोस्थली धामेड़ा धाव गौशाला में 21 पौधे लगाए गए। नारायणपुर स्थित इस धाम में महंत विवेकनाथ महाराज के सानिध्य में श्री कृष्णा शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति ने पौधरोपण किया। सचिव सुनील कुमार शर्मा के नेतृत्व में रमेश मीणा एवं महेश चंद सैनी ने बरगद के 16 और पीपल के 5 पौधे रोपे हैं। मेरा जनता से अपील यही रहेगा कि सभी पर्यावरण के लिए थोड़ा सा काम करें। अपनी जिंदगी पर भागदौड़ जिंदगी में सभी काम करते हैं, अपना थोड़ा सा वक्त निकाल के एक पेड़ भी अपना यदि पाल दिया तो एक बहुत बड़ा उपलब्धि प्राप्त करी है। और एक पेड़ का लक्ष्य कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, और ऑक्सीजन के दाता है पेड़ों से, अपने को ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन के लिए अपन
यदि एक पेड़ लगा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2100 पेड़ों की टारगेट है, और जो भी भाई बहन की जन्मदिन पर और जैसे वर्षगांठ पर इस पर आके यहाँ पेड़ पौधे लगाए तो हरियाली हो जाएगी, यहाँ पे हरा भरा हो जाएगा। तो मैं सभी से यही कामना करता हूँ। इस धामेड़ा धाम में जिसने गांव बसाया था और हरा भरा करना है इसको, और आज मैंने भी 5 बरगद के पेड़ लगा के बहुत खुशी पाई है। मैं चाहता हूँ सभी भाइयों से कि 5-5 पेड़ भी लगाएं तो बहुत हरियाली हो जाएगी, यहाँ पे बहुत पेड़ पौधे हो जाएंगे। मालाखेड़ा के महाराजपुरा गांव में कपास के खेत में दवा छिड़काव से बेहोश महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसे लेकर गरीब किसान के घर में कोहराम मच गया। ग्रामीण समयदीन ने बताया कि यहां के निवासी पप्पूराम की पत्नी केशंती कपास के खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर रही थी, इसी दौरान वह बेहोश हो गई, जिसे इलाज के लिए मालाखेड़ा से अलवर रेफर कर दिया गया, लेकिन उपचार के दौरान केशंती की मौत हो गई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर यादव सभा शहर अलवर द्वारा 26 अगस्त को भव्य आयोजन की तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं कलश शोभा यात्रा के लिए प्रशासन से अनुमति ले ली गई है। वॉलंटियर चिकित्सा टीम भी पूरे मार्ग पर मौजूद रहेगी। पत्रकार वार्ता के दौरान अध्यक्ष सतपाल यादव, महामंत्री नरेंद्र यादव, उपाध्यक्ष बलराम यादव, राज्यपाल और शिवचरण यादव आदि ने जानकारी दी। इस मौके पर श्यामलाल यादव, मधु यादव, प्रभुदयाल, मुरारीलाल, बाबूलाल और अभय सिंह एडवोकेट आदि भी मौजूद रहे। मीडिया प्रभारी राजपाल यादव के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव होंगे। इन सहित सभी अतिथि 26 अगस्त को दोपहर 3:30 बजे कलश एवं शोभा यात्रा को राधा कृष्ण मंदिर से रवाना करेंगे। वहीं रात्रि को भगवान कृष्ण के प्रकट होने तक भजन संध्या सहित अनेक आयोजन किए जाएंगे। साथ ही 11 प्रकार की कृष्ण जन्म की झांकियां सजाने की तैयारी अशोक शर्मा के सानिध्य में की गई है। बाइक सवार की टक्कर से BSNL में कार्यरत महिला कर्मचारी सुमन सैनी जख्मी हो गई। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यहां मौजूद रामनिवास मीणा ने बताया कि सुमन सैनी शालीमार की निवासी हैं और अपने निवास स्थान शालीमार से ऑफिस आ रही थी। मार्ग में एक बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस अट्टा मंदिर के सामने, BSNL ऑफिस के सामने कोई बाइक वाला टक्कर दे गए। तो ये वहाँ पे गिरी हुई मिली थी, तो वहाँ पे ये गिरी हुई मिली थी। मैंने इनको मतलब BSNL में कार्य किया था, तो मैंने इनको देखा, तो इनकी हमारे मैडम है, तो इनको वहाँ से लेके हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। भर्ती कराने के बाद में अब इसके सिर में चोट है। ये घटना रोड क्रॉस करने के बाद में जब वो आ रहा था तब उसने टक्कर दे दी। आपका नाम क्या है? राम निवास मीणा। कहाँ का निवास है? मैं देवी धौलागढ़, कठुमर तहसील। क्या काम करते हो? मैं पहले BSNL में काम करता था, अब सदल केबल नेटवर्क में काम करता हूँ। और वहीं लक्ष्मणगढ़ थाना अंतर्गत एक बाइक सवार ने युवक को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। उसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घायल ऋतुराम के भाई ऋषि राम ने बताया कि उसका भाई जोना खेड़ा का निवासी है, वह मजदूरी के बाद अपने घर लौट रहा था। ये काम से आ रहा था पैदल, और सर पीछे से बाइक ने टक्कर मारी और निकल गया। वो हाथ नहीं आया, फिर हम सीरियस थे, हम सीधा अलवर लेके भागे। हमने वहां पे नहीं उपचार कराया, सीरियस था ये। मैं इसका बड़ा भाई हूँ। बाइक वाला फरार हो गया? हाँ, फरार हो गया। क्या नाम है इनका? ऋतु राम। कितनी उम्र है इसकी? 24 साल। कहाँ के निवासी है? जोने खेड़ा भैया, लक्ष्मणगढ़ से। भैरोड़ के मांजरी कला स्थित मांजरी धाम के शुभारंभ सहित अनेक कार्यक्रमों में भाजपा नेता मोहित यादव शामिल हुए। वहीं कुंड रोड स्थित नारायणी देवी PG महिला कॉलेज में महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव की भी मौजूदगी रही। वी शक्ति फाउंडेशन द्वारा आयोजित जन्माष्टमी मेले का मोहित यादव ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया, साथ ही फीता काटकर माजरी धाम का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर उन्होंने सुमित गिरी महाराज को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। मोहित यादव ने कहा है कि ऐसे धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम हमारे देश की एकता और अखंडता का आधार है। उन्होंने भैरोड़ की बेहतर होती स्थिति और पानी, बिजली एवं बस स्टैंड जैसी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री एवं CM सहित
विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव का आभार जताया। इस अवसर पर राज्यपाल प्रधान संदीप मुन्ना, नीरज यादव, सुभाष, नरेंद्र, सुशील, ईश्वर गुर्जर, अनिल बोहरा और कर्मवीर आदि मौजूद रहे। खैरतल में श्री श्याम सखा समिति द्वारा तृतीय विशाल जागरण आयोजित हो रहा है। इस उपलक्ष्य में पुरानी अनाज मंडी श्याम मंदिर से ध्वजा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा जसोरिया कॉलोनी स्थित श्याम जागरण स्थल पहुंची। इसमें श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा दिल्ली की लीगल डिफेंस काउंसिल स्कीम के तहत पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। इसके लिए अलवर जिला मुख्यालय पर डिप्टी चीफ लीगल एड के 2 और असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस के 5 अतिरिक्त पदों पर अधिवक्ताओं की भर्ती होगी। इसके लिए आवेदन पत्रों की छटनी के बाद पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार 28 एवं 29 अगस्त को होंगे। इसका आयोजन जिला न्यायालय कॉन्फ्रेंस हॉल में किया जाएगा। साक्षात्कार का समय दोपहर 3 बजे रखा गया है। निःशुल्क विधिक सहायता के तहत डिफेंस काउंसिल के अतिरिक्त पदों की भर्ती जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे हम आज की हेडलाइंस पर। गैस लीकेज के चलते आग से महिला की गई जान और 2 लोग झुलसे। नगर रोड पर सामने आया हादसा। भिवाड़ी में आभूषण कारोबारी की हत्या से बना आक्रोश। जेवर लूटने के लिए बदमाशों ने की वारदात। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर निकली रैली और कैंडल मार्च। दोषी को जल्द फांसी देने की उठाई मांग। और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हुई पोशाकों और झूलों की बिक्री, बाजारों में रही चहल पहल। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ETL TV, भरोसा अलवर का।